गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी अभी सुबह का शुरुआत हो गया है और आज हम लोग कॉफ़ी बनाकर पिए हैं। और ये देखिए मेरे पास इतना सारा, ये जो है ना लाए हुए थे तो ये वाला गिफ्ट मेरे पास पड़ा हुआ था। रुकिए मैं आपको अच्छे से दिखाता, याद भी नहीं था कि हम लोग के पास ये वाला है भी। एक और इनका वाला गिफ्ट था वो भी हम लोग को याद नहीं था, इसको ढूंढने में उसका भी पता चल गया तो वो फिर हम लोग ऊपर में डाल दिए। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इनको ढेर सारा गिफ्ट वगैरह मिलते रहता है। तो आज हम इसी दोनों कप में हम लोग चाय पिए हैं और अभी सुबह का शुरुआत हो गया हुआ है। घर द्वार मेरा एकदम इसी तरह से देखिए अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कुछ काम धाम नहीं हुआ। इसको ढूंढने में पूरा हम लोग घर का देखिए क्या हाल किए हुए हैं। इस तरह से इधर ग्राइंडिंग जार वगैरह रखा हुआ है, टेबल वगैरह, कुछ काम अभी हम लोग नहीं किए हैं। किचन का भी मेरा हालत वही हो चुका है। ये देखिए आपको दिखाते हैं, कुछ नहीं हम किए हैं। अब जा रहे हैं घर में काम धाम करेंगे थोड़ा सा। तो अभी हम गैस वगैरह पोछेंगे। अभी तो आप लोग को पता ही होगा चैती छठ चल रहा था, तो चैती छठ आज है से उसका भी नहीं आरंभ हो गया है, यानी कि आज चैती छठ खत्म हो गया है और शायद कल रामनवमी का मेला हम लोग के यहाँ झारखंड में लगेगा। तो हो सकता है कि देखिए आज है या फिर कल है, नहीं कल कल होगा या फिर परसों होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को मेरी भौजाई बुलाई है हमको कि आ जाइएगा दीदी, उस दिन नवमी है उसी दिन चलना है, राम मंदिर वगैरह जाने का बात चल रहा है। तो देखिए हम लोग जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि अभी कुछ सोचे नहीं है, क्योंकि वहां जाने का मतलब हो जाता ना थोड़ा, और इधर मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक ठाक चल नहीं रहा है, इसलिए वहां जाना अभी हम चाह रहे हैं नहीं है। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि मेरा भतीजा भतीजी तो मेरे पीछे पड़ जाएगा तो फिर हमको जाना ही पड़ जाता है। तो अभी हम किचन का ही काम कर रहे हैं, काफी लेट भी हो गया है, अभी हम कुछ किए भी नहीं है। बता आज हमने कॉफी बनाए हैं एकदम मार्केट स्टाइल में, आपको भी नहीं आता ना बनाने का, आप क्या करिएगा आपको हम बताते हैं। कॉफी ले लीजिएगा, दो चम्मच कॉफी पहले ले लीजिएगा और दो चम्मच कॉफी, जिस चम्मच तक कॉफी उसी चम्मच से तीन से चार चम्मच आप चीनी ले लीजिएगा, है ना। और उसके बाद तीन चार आइस क्यूब रख दीजिएगा और उसको पूरा अच्छा से ग्राइंडर में उसको कर दीजिएगा, ग्राइंड कर दीजिएगा, एकदम छोटा वाला ही जार में दीजिएगा, इतना मस्त उसमें एकदम झाग आ जाएगा। उसके बाद आप दूध गर्म करिए और फिर उसमें डाल दिए पीजिएगा, तब आप बोलिएगा कि हम लोग कॉफी इस टाइम में जो हम लोग पीते हैं जो जाते हैं झाग वाला, एकदम आपको देख के ही लगेगा कि कितना अच्छा ये बना है। और एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ऐसा सब्जी बनाएंगे ना, उसके लिए पहले हम मसाला पीस कर रख लेते हैं। पहले हम रखते थे लेकिन फ्रिज में का खत्म हो गया है, क्योंकि आपको तो हम बताए हुए कि हम लहसुन अदरक पहले से ही पीस कर स्टोर कर लेते हैं थोड़ा सा दो तीन दिन का। अभी अभी लहसुन छील रहे हैं। ये देखिए इसे हम आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी का सब्जी, इसलिए पत्ता गोभी को एकदम एकदम पतला काटना था तो हम इस तरह का मशीन से काट दिए हैं। और दुनिया में क्या क्या चीजें अवेलेबल हो गया है, देखिए कितना इतना पतला तो हम लोग हाथ से भी नहीं काट सकते थे, मस्त कट गया है ना। तो अभी वॉशिंग मशीन में मेरा कपड़ा इसी तरह पड़ा हुआ है, सब कुछ छत पे डालने के लिए भी हम ही करेंगे ना, कल से धोए हैं पत्नी से ही पड़ा हुआ इस तरह से, और इसको छत पर भिजवा देते हैं। कितना टाइम हो रहा है, 9:30 सो रहा है, कोई काम तो मेरा होता ही नहीं। तो ये देखिए हम पत्ता गोभी जो हम है ना किए थे ना काटे थे चॉप को, उसको हम बेसन में घोल कर इस तरह से एक प्लेट में रख दिए हैं। और इधर हम पानी भी गर्म होने के लिए रखे हुए हैं, इसी में हम इसको स्टैंड डाल के इसको रख देंगे तो ये अच्छे से जम जाएगा। इसका अच्छा से ये जम गया है तो इसको हम है ना ठंडा होने के लिए पंखा में छोड़ दें। तो
तो ये देखिए इसका हम क्यूब काट लिए हैं, इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लें ताकि उसका ग्रेवी भी। तो आप इस तरह से पत्ता गोभी का सब्जी कभी बनाए हैं या नहीं बनाए वो हमको बताइएगा जरूर। हम तो हर तरह का सब्जी बनाते हैं, कभी उबाल कर कभी बिना उबाल कर। तो ये देखिए मेरा पत्ता गोभी का मस्त स्टाइल का सब्जी बनकर रेडी हो गया है। आपको दिखाने के लिए हम इसमें निकाले थे, नहीं तो हम इसी में फिर इसको हम अभी पलट देंगे। तो ऐसा मेरा जानती है गिर भी गया, देखो यहाँ पे कितना गिर गया है इसका ग्रेवी। अब भी यहाँ कम नहीं है, मतलब ही हो गए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। पता डाल देंगे अब इसी में, हम जब खाने के साथ में ना उसको हमको दिखाना था आपको, इसीलिए हम उसमें डाले थे उसको। So sad. तो मेरा चावल बन गया है और इधर देखिए हम मार को भी जो स्टोर कर रहे हैं। आज हम दाल नहीं बनाएंगे, सब्जी बना लिए हैं और भात बना लिए और इधर मार को भी स्टोर कर रहे हैं। आज हम मार भात सब्जी खाएंगे और रोटी। मार खाने से जानते हैं पेट ठंडा रहता है, पहले के जमाने में मार कितना अच्छा लगता, नेका चावल का खाने से मस्त लगता। मेरे को फेवरेट है मार भात चोखा, आप लोग खाएं कभी। ऐसे भी सब हमको इसलिए बोलते नहीं कि तुम झारखंड में रहने लगी इसलिए तुमको मार का चोखा ज़्यादा अच्छा लगता है, हमको रियल में बोलिए तब तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना लगता है। मेरे घर में ऐसे सबको चावल दाल उसमें घी डाल के सबको खाना पसंद है, लेकिन हमको मार भात आलू का चोखा। और इधर इस मार को भी हम यहाँ पे रख देंगे ताकि ये ठंडा होगा। तो आज हम खाएंगे और मेरा तावा भी गर्म हो गया है और इधर अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद ही एक्स्ट्रा कुछ काम करेंगे। तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप है ना, आप जानते हैं मेरे को है ना कोनो कुछ कमेंट में लिख देता है, हमको तो समझ नहीं आता, हमको हंसी भी आते रहता है क्योंकि हम उतना रिप्लाई उप्लाई करना नहीं जानते हैं। हमको कुछ भी कोई लिख देता है हमको समझ नहीं आता है क्यों, क्या लिखता है, नहीं लिखता है, क्यों लिखता है सब हमको ना समझ नहीं आता था। हम उसको पढ़ लेते हैं और हंस के रह जाते कि उसका लिखने का क्या मतलब होता है नहीं होता है, क्योंकि आप बताइए आज के टाइम में एक तो वीडियो बना लिए एक मम्मी लोग के लिए वही काफी है, कमेंट पढ़ने का फुर्सत रहता है, कभी कभी बाय चांस देख लेते हैं। मेरा तो खाना बनाते हैं काम करते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो हम भाई क्या कर सकते हैं। ब्लॉगिंग करने का मन किया तो वो भी मेरा बाबू जब चला गया ना तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था ना, तो फिर हम ब्लॉगिंग करने लगे थोड़ा थोड़ा देर का, सोचे अपना डेली रूटीन अपना सबके साथ शेयर करेंगे तो सब मेरा देखे उठेगा। तो कुछ कुछ कोई लिख देता कुछ कुछ लिख देता, सबको लगता हुआ कि हमको चाहे जो आदमी, अब भाई मेरा फाइनली इतना बड़ा बड़ा वेट बच्चा सब है तो आफ्टरऑल कोई हमको आंटी भी कह देगा तो उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, भाई आंटी है तो आंटी कहेंगे। या फिर बताइए आपके घर में ही कोई बड़े बड़े बच्चे रहते हैं और कोई चाचा चाची सब बड़े छोटे छोटे ही रहते हैं, उन्हीं के उम्र का शादी होता है तो क्या कोई अंकल आंटी नहीं कहता, कह भी करता है। तो इसमें कोई कमेंट उमेंट हमको कोई समझ उमझ नहीं आता, हमको अपने आप में हंसी आते रहता है कि क्या कोई कुछ लिख देता है। और शायद कोई ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है इसीलिए लिखता होगा, हम तो जानते हैं कम पढ़ा लिखा आदमी सब जो लिख नहीं सकता है, ये तो मेरा दिल 100% करता है क्योंकि देखिए हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, कोई हम लोग को बुरा भी कमेंट लिख देता है तो हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है तो जवाब नहीं दे पाते हैं। अब घटिया लिखेगा चाहे अच्छा लिख रहा है तो हम तो क्या सोचेंगे कि अच्छे लिख रहा है। रियल में जानते हैं एकदम मस्त सब्जी बना है और ये अचार भी अब धीरे धीरे पक रहा है, हम जानते हैं इनसे डांट सुन सुन के लाल मिर्चा का अचार बनाना भी सीखिए गए, मस्त इस बार का टेस्ट है। और ये सब्जी पत्ता गोभी का रियल में बनाए हैं ना हम, एक दिन देखिए हम रेसिपी क्यों हो जाएंगे। हम लोग खाना उना खा के लेट गए थे और अभी शाम में गए थे, जल्दी गए थे टहलने के लिए, 5:30 बजे ही गए थे टहलने के लिए,
लेकिन लेट हो गया आते आते, क्योंकि आज हम लोग को एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया था, दूध वाला दूध देने नहीं आया था, तो उसी के कैन में जाके दूध ले लिए हैं। 6 बजे वहाँ गए, वहाँ भी थोड़ा दूर ही पड़ जाता है। फिर सत्तू लाए, गर्मी अभी चल रहा है तो मेरी बेटी को सुबह सुबह नाश्ता में रोटी की जगह उसको सत्तू नींबू वाला पीना बहुत ही अच्छा लगता है, और उसे ही क्या हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है मार्केट में। और थोड़ा सा मिर्चा, नींबू, धनिया पत्ता ये सब कुछ नहीं था, तो आज हम लोग का हटिया था तो हटिया से सब्जी वगैरह भी लेकर आए हैं। तो फाइनली हमारा ब्लॉग यहीं तक रहेगा, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।